बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड। गुड का मतलब समझते हो ना? अच्छा, और गुड का ऑपोजिट क्या होता है? बैड। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। हमें गुड कब फील होता है? जब हमारे मम्मी या पापा हमसे प्यार करते हैं। और बैड कब फील होता है? जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हमसे लड़ाई करते हैं, या कोई हमारी चीज़ हमें वापस नहीं करता। और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें बैड फील होता है। जैसे कुछ लोग जो हमें गलत तरीके से देखते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, गलत तरीके से टच करते हैं, जिससे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। सपोज करो ये आप हो, ये आपका माउथ है गलत तरीके से टच करना, ये है चेस्ट, ये आपकी छाती इधर से टच करना, बिटवीन योर लेग्स आपके यहाँ से टच करना, योर बैक साइड जिसको आप बम बोलते हो इस साइड से टच करना, इन जगहों से कहीं से भी गलत तरीके से टच करना, वो आपको बुरा लगता है। ये होता है बैड टच। आपको खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर कोई आपको इन जगहों में से कहीं से भी टच करता है, आपके मम्मी पापा अगर टच करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर यही काम कोई अननोन बंदा या कोई रिश्तेदार आपके साथ करना है, तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? तेज से चिल्लाना है। सेकंड आपको क्या करना है? वहाँ से जितना आप भाग सकते हो तेज, उतना आपको तेज भागना है। और थर्ड आपको काम क्या करना है? अपने मम्मी को, पापा को, या अपने टीचर को, या जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, उसको आपको ये बात बतानी है। लेकिन बाय चांस कई बार हमें मौका नहीं मिलता हम अपने मम्मी को, पापा को, या अपने किसी नज़दीकी को ये बात बताएं, या हम बताने में हिचकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, यानी 1098। आपको उस नंबर पे कॉल करना है और अपनी सारी बात बता देनी है। पुलिस आपका पूरा साथ देगी और आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। बच्चों, ये मैंने आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।